हाय गाइस, तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीक्वेंशियल एलईडी लाइट को अपने बाइक के व्हील्स में लगाएंगे। तो बेसिकली ये एलईडी स्ट्रिप गाड़ी की हेडलाइट के लिए बनी होती हैं, जो कि डीआरएल में काम आती है, बट हम इसको बाइक में भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 7 डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें आप एक तो व्हाइट होगा जो कि डीआरएल में यूज होगा, और एक आप अपनी च्वाइस का ले सकते हैं कोई भी। मैंने यहाँ पर येलो लिया है। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके साथ ही चाहिए आपको टू वे स्विच, एक सिंगल वे स्विच होती है, आपको वो नहीं लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पर दो डिफरेंट कलर को यूज करने वाले हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर टू वे स्विच का यूज करूंगा। मैं यहाँ पर मिंटा की स्विच यूज कर रहा हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही चाहिए आपको थोड़ी सी वायर, और एक लेते हैं ग्रेट वाइट की ये टेप, और इसके साथ ही ले लेते हैं फेविक्विक, क्योंकि ये फेविक्विक की मदद से ही चिपकेगा अच्छे से। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर और सिखाते हैं आपको इसे कैसे लगाना है अपनी बाइक। तो चलिए सबसे पहले हम इसके वाइजर को ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक होल कर लिया है, और अब हम इसमें स्विच को फिट करेंगे। स्विच को फिट करने से पहले आपको एक वायर लेकर आनी है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक वायर निकाल ली है, और इस वायर को हमने टू वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल के साथ लगा देना है। चलिए अब लगाते हैं इसको जल्दी से। तो इसका कनेक्शन हम बाद में करेंगे। तो चलिए अब इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी एलईडी स्ट्रिप को अपने पीस। आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से लगा दिया है, और अब हमें जो इसकी रेड और येलो वायर है उसे हमें इसकी स्विच तक पहुंचाना है जो पहले हमने लगाई थी, और जो इसकी ब्लैक वायर है उसे हम चासी के साथ लगा देंगे। तो अब जल्दी से इसे कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इसका कनेक्शन डायग्राम देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में देख सकते हैं, वहां पर इसका कनेक्शन डायग्राम आपको अवेलेबल करवा देंगे। दोस्तों, आपको जो रेड वाली वायर दिख रही है दूसरे नंबर पर, उस वायर को आपको स्विच के राइट वाले टर्मिनल से लगाना है, और जो येलो वाली दिख रहे हैं जो थर्ड नंबर पर है, उसको हमने लेफ्ट साइड पर लगा देना है स्विच में। ऐसे ही आपको दोनों एलईडीज की रेड और येलो वायर यहाँ पर लेकर आनी है, तो सेम कनेक्शन कर देना है। तो चलिए आप दूसरे व्हील में भी एलईडी स्ट्रिप को लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। आपको वैसे ही कनेक्शन करना है जैसे हमने फर्स्ट एलईडी के साथ किया था, और जो इसकी दो वायर्स हैं उसको हमने यहाँ से निकालते हुए वाइजर तक पहुँचा दिया है। अब इस दोनों वायर को वैसे ही लगा देना है स्विच के साथ जैसे हमने पहले लगाई थी। तो इसी के साथ अपना सारा कनेक्शन कम्प्लीट हो जाता है। तो जल्दी से हम इस वाइजर को लगा देते हैं और दिखा दें आपको इसकी वीडियो।
यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट लाता रहता हूँ। और अगर आप इस वीडियो में यूज़ किए हुए किसी भी प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट वाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ लेता हूँ आपसे इजाज़त, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।